नमस्कार दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक का यहाँ पर शेयर देखने को मिल रहा है दोस्तों 0.55 पैसे की। यहाँ पर दोस्तों हाई से शेयर में गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। दोस्तों बात करें 92 रुपए से यहाँ पर ज्यादा भारी भरकम शेयर का यहाँ पर ब्रेक डाउन देखने को मिला है। जैसे यहाँ पर शेयर ने ये वाला सपोर्ट ब्रेक किया दोस्तों यहाँ पर ब्रेक डाउन की संभावना ज्यादा बनती गई। यहाँ पर शेयर ने छोटा सा सपोर्ट बनाया, उसके बाद छोटा सा यहाँ पर हाई मोमेंटम फिर बनाया। उसके बाद पूरे 60 एवरेज वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर 55 पैसे की गिरावट 0.60% की यहाँ पर शेयर में देखना गिरावट देखने को मिल रही है। IDFC फर्स्ट बैंक का यहाँ पर शेयर है 91 रुपए पर यहाँ पर प्राइस वैल्यू देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें एक सप्ताह के अनुसार तो दोस्तों यहाँ पर 4 रुपए 20 पैसे की यहाँ पर शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है और आगे और गिरावट होने की संभावनाएं भी यहाँ पर शेयर में बनती हुई देखने को मिल सकती है। दोस्तों 4.39% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें एक महीने के पूरा 4 एवरेज वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर 5.5% के ऊपर गिरावट है। 5.35 पैसे का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर शेयर सपोर्ट बनाता है तो ठीक है, वरना गिरावट और गिरावट संभावनाएं बन सकती है। दोस्तों तो बात करें 1 ईयर के हिसाब से तो यहाँ पर भारी भरकम की गिरावट, शेयर का धीरे धीरे लोअर यहाँ पर 77 रुपए तक आने की संभावनाएं बना सकता है। दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक का 77% की यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रही है। 39 रुपए का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है और भी गिरावट होने की संभावना यहाँ पर शेयर बना सकता है IDFC फर्स्ट बैंक। दोस्तों 5 ईयर के हिसाब से भी यहाँ पर गिरावट और ऑल टाइम के हिसाब से भी यहाँ पर गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है IDFC फर्स्ट बैंक। और दोस्तों प्राइस यहाँ पर कंपेयर करें तो इस शेयर की प्राइस मिनिमम यहाँ पर 60 या 70 तक आने की संभावना है। यहाँ पर गिरावट 20 से 30 रुपए की यहाँ पर शेयर में गिरावट संभावनाएं बन सकती है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर में। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर शेयर 52 सप्ताह का लो इस शेयर में 51 रुपए का है और 52 सप्ताह का हाई यहाँ पर 100 रुपए का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 52 सप्ताह के हाई को यहाँ पर ब्रेक करके इस शेयर 52 सप्ताह के लो की तरफ देखने को मिल सकता है और इस शेयर का 52 सप्ताह का लो 50 रुपए है, तो ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए 70 रुपए तक आने की संभावना है तो यहाँ पर बनते हुए शेयर में देखने को मिल सकती है। दोस्तों 2 डेज लो इस 90 रुपए का, 2 डेज हाई 92 रुपए 45 पैसे का देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक्सपर्ट रेटिंग 46%, बायर होल्डिंग 23% और सेलिंग 31% देखने को मिल रही है। दोस्तों दोस्तों अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों बाजार में अगर निवेश करते हैं तो इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, तो कृपया अपनी जिम्मेदारी पर निवेश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।